गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी अकॉर्डिंग टू बाली टाइम सुबह के 6:30 बज गया। सनराइज मैंने चेक किया, इट हैपेंस एट 6:24। और अगर टाइम की बात की तो इंडिया और बाली के बीच में 2.5 आवर्स का डिफरेंस है, बाली बीइंग अहेड ऑब्वियसली क्योंकि वो ईस्ट में लोकेटेड है। आज का वीडियो और आज का दिन स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको इस होटल की मेन एरिया दिखानी है, बिकॉज कल जब हम यहाँ पर आए तब ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था। आपने लास्ट ब्लॉग के एंड में डिनर का जो भी था वो देखा। तो यहाँ पर पीछे सारे रूम्स हैं। इस होटल में 2 स्विमिंग पूल्स हैं। दिस इज द मेन स्विमिंग पूल। आज वेदर थोड़ा सा ओवरकास्ट है, काफ़ी बारिश हुई, आई कैन फील अ लिटिल रेन ड्रॉप्स राइट नाउ। ये है मेन स्विमिंग पूल, बैठने के लिए बहुत सारे चेयर्स। यहाँ पर मैं एक फ़ोटो लेने वाला हूँ। एंड देयर इज अ बेबी पूल एज वेल ऑन दैट साइड। व्हेन वी कम हियर, मेरे राइट साइड में एक बार है और अंदर एक जिम जो मैंने अभी तक नहीं देखा है फर्स्ट ग्लांस। So nice, pool table, pool small table. Okay. Cardio equipment, थोड़े से dumbbells, 2 treadmills, एक elliptical, a Smith machine and pull-ups. मैं pull-ups करूँगा. And there's a machine जो out of order है, पर machine की ज़रूरत नहीं है. Very nice. अब हम जाएंगे इस एरिया में। ऑल्सो अगर आप एक फैमिली हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो, बिकॉज इट्स प्रीटी चिल्ड्रन फ्रेंडली। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा ट्री हाउस है फॉर योर किड्स टू प्ले, रैंडम हाउसेस। और वहाँ पर अंदर है रेस्टोरेंट, बुफे स्टार्ट होता है 7 बजे, तो वी हैव 20 मिनट्स टू किल। आज का जो दिन है उसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। सो हमारा जो होटल है वो उलू वाटू नाम के एक एरिया में लोकेटेड है, और आज के दिन के लिए हमें एक टैक्सी बुक करनी है और यहाँ से उबुड नाम के लोकेशन में जाना है। उबुड बीइंग UBUD, उबुड यहाँ से अपेरेंटली 1 आवर 30 मिनट दूर है। मैंने गूगल मैप से चेक किया, वहाँ पर जो भी साइट सीइंग के स्पॉट्स है वो यहाँ से 35 to 45 किलोमीटर दूर है। सो इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी। उबुड में हमने 4 चीज़ें शॉर्टलिस्ट किया जो मुझे एटलीस्ट देखनी है, जिनमें से 2 चीज़ें हैं जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहली चीज़ एक वाटरफॉल है जिसका नाम टेंगेन उंगेन है, टेक्स्ट में मैं यहाँ पर डालूंगा। ये एक ऐसा आइकॉनिक टूरिस्ट लोकेशन है जो कोई टूरिस्ट मिस नहीं करता। अगर आप बाली जा रहे हो आपको ये देखना ही पड़ेगा, ये उस टाइप का स्पॉट है। दूसरी चीज़ है कामपुहान रिज वॉक, ये बेसिकली एक पाथवे है जहाँ पर आप चल सकते हो, सनसेट देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और दोनों साइड पे बहुत ही बढ़िया सीनिक और ब्रेथ टेकिंग व्यूज है। ब्रेकफास्ट बुफे, ये है मेरी पहली प्लेट, बेक्ड बीन्स, थोड़ा सा चिकन बेकन सॉसेजेस, और ये फिश फिंगर्स है। और वहाँ पर बहुत सारा इंडोनेशियन कुजीन भी है, जैसे ये गोरेंग नूडल्स, इन्हें भी ट्राई करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। रेस्टोरेंट एरिया कुछ इस तरीके की है, और यहाँ पर एक डिश है जो मैंने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी है, चिकन पॉरेज। लुक समथिंग लाइक दिस, बेसिकली ओट्स जैसा ही है बट उसमें चिकन है। इसकी मैं एक छोटी सी बाइट लूंगा। ब्रेकफास्ट जब हम कर रहे थे तब यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो रही थी, और नॉट गोना लाई तब मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि बीच जाना है, बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ करने हैं। मैंने वेदर फोकस चेक किया, दिखा रहा है दस 50% चांस ऑफ रेन, बट जैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ वापस बहुत सारे समर वाइब्स आ गए। द सन इज़ आउट, स्काई काफ़ी क्लियर हो चुका है, एंड देयर आर वाइट क्लाउड्स। अभी जल्दी से फ्रेशन अप होता हूँ, एक टैक्सी बुक करता हूँ, एंड वी आर हेडिंग टू उबुड, लेट्स गो। अभी हम पहले लोकेशन पे पहुंच गया है, कॉल्ड टेगेनुंगेन वाटरफॉल। जस्ट वाटरफॉल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, पूरी जर्नी 2 घंटे की रही। लकीली हमें वहां पर आपको जो काली इनोवा दिख रही है, इनोवा या जो भी गाड़ी दिख रही है,
वो हमें होटल से ही मिली। सो मैं होटल के रिसेप्शन पे गया, वहाँ पर उनको पूछा कि क्या हमें टैक्सी मिल सकती है, और उन्हीं का एक लोकल ड्राइवर है। सो वो ड्राइवर हमें आज पूरे दिन के लिए वहाँ इधर उधर लेके जाने वाला है। एंड रेट्स की बात की तो इट्स काफ़ी अच्छा। वाटरफॉल उस दिशा में है, यहाँ पर पूरे राइट साइड में मार्केट्स है जहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ें चेकआउट करेंगे। मुझे पता नहीं यहाँ की बात क्या है, पर स्टोर के सारे लोकल्स इतने डाउन टू अर्थ और इतने पोलाइट है, इट फील्स ब्यूटीफुल। ये लोग जो एनर्जी रेडिएट करते हैं वो बहुत पॉजिटिव, बहुत पीसफुल है। एक हैंडमेड यूकुलेले, सो कूल। गुड आफ्टरनून, वी वांट अ टिकट फॉर टू पीपल। यस, 40। यस प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। सो अगर आपको ये वाटरफॉल विजिट करना है, पर पर्सन इट इज 20,000 IDR, जो अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे इट बिकम्स 100 rupees। सो कुछ नहीं है, ये IDR करेंसी आपको पावरफुल ऐसे लगेगी, बट इट्स नॉट मच। एंड टाइमिंग्स की बात की तो सुबह के 6:30 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक ये वाटरफॉल खुला रहता है। लेट्स गो चेक इट आउट। चेकिंग काउंटर। वाओ, थैंक यू। कीप योर टिकट प्लीज। How nice. So, हमें eventually ये सारी सीढ़ियाँ उतर के वहाँ पर जाना है, दैट इज द वाटरफॉल। और एक लोकल ने हमें बताया कि इन टोटल 170 स्टेप्स है। What a wonderful world. वाटरफॉल पे बहुत मज़ा आया, सिर्फ एक प्रॉब्लम था, पानी इतना ज़्यादा फैल रहा था कि मेरी पूरी लेंस गीली हो गई, जिसकी वजह से इतने फ़ोटोज़ नहीं ले पाया, बट इट वॉज फन। अभी वाटरफॉल के पास यहाँ पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, नॉट स्विमिंग पूल बट जस्ट अ प्लेस टू चिल एंड सी अ सेटिंग। धूप काफ़ी बढ़ गई है। इन अनदर 10 मिनट्स वील हेड बैक टू द कैब और फिर हम अगले स्पॉट पर जाएंगे जो होगा मंकी जंगल। Want a ticket for two people? Thank you. Okay everyone, ये मंकी फॉरेस्ट का एंट्रेंस है। मेरे लेफ्ट साइड पे वहाँ पर रिसेप्शन है जहाँ से आप पासेस ले सकते हो। एक पास आपको अराउंड 80,000 IDR का पड़ेगा, अगर आप कन्वर्ट करोगे इट्स अराउंड 400 rupees। ये दो पासेस हैं। यहाँ पर एक चेकिंग टिकट की सिस्टम है जहाँ पर ये QR कोड स्कैन होगा एंड देन वी कैन एंटर। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट दिस प्लेस। Thank you. तो ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि इस फॉरेस्ट के लिए एक मैप की ज़रूरत है। ये जो अभी आपको दिख रहा है वो इस फॉरेस्ट का सेंट्रल पॉइंट है, और अभी हमारे पास पॉसिबल रूट्स काफ़ी सारे हैं। वी कैन गो दिस वे और वी कैन गो दिस वे, या ऊपर सीढ़ियाँ भी है गोइंग अप। वेयर डू यू वांट टू गो? लेट्स गो।
What food place do you recommend? Indonesian food with the rice. Should we? Indonesian food with the rice. What other options? Like this. You can check later. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Lunch time. I think you need a lot more salt than that. You think so? Yep. So lunch के लिए हमने हमारे local taxi वाले भैया को पूछा क्या उनको एक local Indonesian जगह बताया और इन्होंने ये जगह recommend की. It's really big. हमारा table उस तरफ है. यहाँ पर बहुत सारे rice fields हैं बैठने के लिए, ऐसे cottage type चीज़ें. और मैंने एक sandwich order किया था जो काफ़ी Indonesian था. उसमें बॉइल्ड एग था, थोड़े से चिकन ब्रेस्ट के टुकड़े और स्टैंडर्ड वेजिटेबल्स. हम जब से बाली आया है मैंने एटलीस्ट 50 इंडो मार्ट्स और मिनी मार्ट्स देखे हैं. या बेसिकली दीज 24/7 ऐसे छोटे सुपरमार्केट रिटेलर स्टोर्स. और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता. लाइक इंडिया के जो रेट्स होता है ना उतना ही है. यूजुअली बाहर जो पानी मिलता है उसमें ऐसी एक बॉटल $6-$7 की मिलती है, ये ₹30 है इक्विवेलेंट. आइसक्रीम लिटरली सब कुछ सस्ता है. सो हम रात के खाने के लिए और थोड़ी बहुत चीज़ें स्टॉकअप करने के लिए आया. मुझे मेनली एक रेज़र चाहिए, एक डिस्पोजेबल रेज़र, क्योंकि मेरी मुस्ताज बढ़ रही है. और इसको दीवा को एक रबर बैंड चाहिए ताकि वो अपने बाल टाई कर सके. एक डिस्पोजेबल रेज़र ₹40. यहाँ पर सब कुछ इतना टेम्पटिंग है कि मुझे पूरा स्टोर ऐसे रेड करने का मन कर रहा है. ये मैं लूँगा अगेन ₹40. इससे बहुत बाहर के खाने के पैसे बच जाएंगे. एंड वी आर कम फॉर अ रेजर एंड योर रबर बैंड. ओट्स, दैट इज न्यू. स्पॉटिफाई प्रीमियम दुकान में खरीद सकता है यहाँ पर. 55,000 ये जो इंडो मार्ट्स और मिनी मार्ट्स हैं उन्हें मैं एक तरीके में परफेक्टली डिस्क्राइब कर सकता हूँ. मुझे वहाँ पर होके एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे किसी ने मुझे एक ऐसे सुपरमार्केट में छोड़ा जहाँ पर सारी नई चीज़ें हैं और सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव दिखता है और सब चीज़ों के प्राइस पे एक चीट कोड डाला है. ऐसे लगता है कि किसी ने मुझे एक GTA गेम में छोड़ दिया है और सब कुछ बहुत सस्ता है. और हम दोनों ने एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह इतनी सारी अननेसेसरी चीज़ें उठाई है, बट इट इज़ सो टेस्टी. ये एक योगर्ट ड्रिंक है जिसे मैं कल भी ट्राई करने वाला हूँ. ₹20 अगेन, इंडियन रुपीज़ की बात की तो ₹20 सब ₹20 का ही है. तो हाँ, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, और दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना. स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो. कल होगा डे नंबर 3. मैं मिलूंगा आप लोगों से कल सुबह. बाय बाय.